हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सर? लोग गाइस, आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। सर बढ़िया नहीं तो इस वीडियो को देख के बढ़िया होने वाले हो जी। गाइस यहाँ पर आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस, क्या आपके पास रियलमी का एट आई मोबाइल है? जी गाइस, अगर आपके पास रियलमी का एट आई मोबाइल है और आपकी भी यहाँ पर बैटरी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बैटरी फालतू में ड्रेन हो रही है, ऑटोमेटिक कंज्यूम हो जाती है, तो गाइस ये प्रॉब्लम सारी मैं बिल्कुल फिक्स रहने वाला हूँ। उससे पहले गाइस एक ही बात कहूँगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। एंड गाइस, अगर आपका भी कोई सवाल या आपके मोबाइल कोई भी प्रॉब्लम है तो बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं एंड हर बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास रियलमी का एट आई मोबाइल है तो गाइस यहां पर मैं आपको कुछ यहां पर नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद एक से एक हैवी सेटिंग बताऊंगा। तो गाइस आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, गाइस वीडियो को आपको थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो मुझसे ही आप बाद में कमेंट करोगे कि भाई मेरा प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ, आप तो 100% लिख रहे थे। तो चलिए गाइस यहां पर मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और यहां पर कुछ टिप्स और सेटिंग शेयर करने वाला हूं। सेम सेटिंग आपको अपने डिवाइस में कर लेनी है जिससे आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा और यहां पर आपका फालतू में बैटरी डाउन ड्रेन होता है नाइट में वो भी नहीं होगा। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो गाइस अगर आपके पास रियलमी का 8i मोबाइल है गाइस, यहाँ पर अगर आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी कंज्यूम हो रही है तो गाइस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। पहले नॉर्मल ट्रिक की बात करना तो गाइस आपको कंट्रोल सेंटर जाना और यहाँ पर आपका चेक करना है कि वाईफाई ब्लूटूथ आपका ऑन रहता है कि ऑफ रहता है। गाइस सभी लोगों का वाईफाई ब्लूटूथ ऑटोमेटिक भी ऑन हो जाता है, तो गाइस अगर आपका भी ऑन रहता है तो आपको ऑफ करके रखना आपका वाईफाई ब्लूटूथ। और गाइस यहाँ पर आपको चेक करना आपका लोकेशन ऑन, लोकेशन है यानी कि GPS है, ये भी ऑन रहता है कि ऑफ रहता है। तो गाइस अगर आपका लोकेशन ऑन रहता है तो इसे ऑफ करके रखना है हर टाइम, क्योंकि गाइस ये आपकी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करता है जिससे गैस आपकी लोकेशन को डिटेक्ट करता रहता है आपका मोबाइल और आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। और गैस कभी कभी ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है किसी भी चीज़ की परमिशन देते टाइम, तो गैस इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, आपकी लोकेशन भी ऑफ होनी चाहिए जब आपको इन चीज़ की जरूरत है तभी इनेबल करें। और गैस यहाँ पर मोबाइल का डाटा, कुछ लोग क्या गलती करते हैं मोबाइल के डाटा को हर टाइम ऑन करके रखते हैं, तो गैस ये भी गलती नहीं करनी क्योंकि आपका पूरा मोबाइल एक तरह से ऑनलाइन रहता है हर टाइम, जिससे नोटिफिकेशन वगैरह और पूरा मोबाइल रन करता रहता है, पूरा बैकग्राउंड रन करता रहता है, इससे आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो गैस यहाँ पर जब इंटरनेट से आपको चलाने की जरूरत है तभी मोबाइल के डाटा को ऑन करें वरना ऑफ करके रखें। और गैस यहाँ पर चार्जिंग करते टाइम तो कभी भी मोबाइल के डाटा को ऑन मत करना, अगर आप ऑन करोगे चार्जिंग करते टाइम मोबाइल के डाटा को तो गैस आपका जो बैटरी बैकअप है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप बाद में मुझसे कमेंट करोगे कि बैटरी क्यों ख़राब हो गई इतनी जल्दी, तो गैस इस गलती को कभी मत करना। आपका अगर चार्ज कर रहे हो तो कभी भी मोबाइल के डाटा को ऑन करके चार्ज मत करना। अब गाइस हम बात चले मोबाइल के अंदर, तो गाइस जैसे ही आप मोबाइल के अंदर आओगे गाइस देख सकते हो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा फोन मैनेजर का, इस पर आपको क्लिक कर देना फोन मैनेजर पर। जैसे गाइस आप फोन मैनेजर पर क्लिक कर दोगे यहाँ पर स्कैनिंग चल रही है, तो आपको क्या करना वन टच ऑप्टिमाइजेशन कर लेना। इससे गाइस क्या होता है आपकी जो बैटरी है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है और यहाँ पर आपकी बूस्ट स्पीड वगैरह या स्टोरेज वगैरह है वो भी क्लीन हो जाती है, यानी कि आपके जो बग वायरस होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं और जो फालतू की आपकी बैटरी को कंज्यूम करते हैं जो आपके बग और वायरस एप्लीकेशन की वो नहीं करते हैं, जिससे आपकी बैटरी लाइफ इंक्रीज हो जाती है और फालतू में बैटरी कंज्यूम नहीं होती है। अब गाइस यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेटिंग में, तो गाइस सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ, एंड तक वॉच करना। अगर आप एंड तक वीडियो को वॉच कर लोगे 100% आपका बैटरी लाइफ इंक्रीज हो जाएगा और फालतू में जो बैटरी ड्रेन होती है आपकी वो नहीं होगी। तो गाइस देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, तो गाइस यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस आप कैसा रखते हो, कैसा भी रखते हो गाइस यहाँ पर आपको डिस्प्ले को हमेशा ब्राइटनेस को बीच बीच में रखना है और जब यहाँ पर आपको कहीं पर अंधेरा है तो बिल्कुल डाउन कर देनी है या कहीं उजाला है तो ऑन पूरा कर देना है। लेकिन गाइस कभी भी यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का यूज नहीं करना क्योंकि गाइस जैसे ही आप थोड़ी सी नेक धूप में जाओगे या थोड़े से अंधेरे में जाओगे तो आपकी ब्राइटनेस है कम ज़्यादा हर टाइम होती रहती है। और याद रखना आपकी जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है आपकी डिस्प्ले सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस को कंज्यूम करती है, तो गाइस यहाँ पर आप जो आपकी जो डिस्प्ले सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करती है बैटरी को, तो गाइस यहाँ पर आपको ब्राइटनेस को ऑटो पे नहीं रखना है और आपकी ब्राइटनेस अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। अगर आप ऑटो पे रखोगे तो आपकी जो ब्राइटनेस है यहाँ पर कम ज़्यादा होती रहती है जिससे आपकी बैटरी फालतू में कंज्यूम होती है। अब गाइस यहाँ पर आपको बैक आ जाना, जैसे ही आप बैक आओगे आओगे बैक आने के बाद यहाँ पर नीचे आना और यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है बैटरी का, तो गाइस यहाँ पर बैटरी में बहुत सारी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे आपकी बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर पावर सेविंग मोड का, तो इसे आपको इनेबल रखना है। जी गाइस यहाँ पर पावर सेविंग मोड को अगर आप इनेबल रखोगे तो आपकी जो बैटरी है यहाँ पर ज़्यादा बैकअप देने लगती है, आपका जो मोबाइल है यहाँ पर बैटरी को सेव करके चलता है, यहाँ पर 100% से ही आपकी बैटरी को सेव करके चलेगा और जो फालतू में आपकी बैटरी कंज्यूम होती है वो नहीं होगी। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, आपका पावर सेविंग हमेशा ऑन रहना चाहिए। और गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सुपर पावर सेविंग मोड, जी गाइस अगर आपको लगता है आपकी मोबाइल की बैटरी को आपको डबल चलाना है यानी कि आपका बैटरी लाइफ एक दिन देती है दो दिन देती है तो आपको दुगना चलानी है बैटरी 2 से 3 दिन या 4 दिन तक, तो आप यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड का यूज कर सकते हैं।
सकते हो जी। गाइस देख सकते हो इनेबल करोगे टर्न ऑन कर देना है। लेकिन गाइस इस चीज़ का आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आपको यहाँ पर कहीं जाना है या आपके पास चार्ज नहीं है या लाइट नहीं तभी यूज़ करना, क्योंकि गाइस एक जरूरत की फंक्शन है। आपको पता है सुपर पावर सेविंग मोड मतलब आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाओगे। देख सकते हो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं चार एप्लीकेशन और दो ऐड कर सकते हो, यानी कि छह एप्लीकेशन आप टोटल यूज कर पाओगे, जैसे कि इंपोर्टेंट काम ही कर पाओगे। जैसे गाइस यहाँ पर आपको कॉलिंग वगैरह करनी है, चैटिंग वगैरह करनी है तो कर सकते हो। इससे आपका पूरा मोबाइल यहाँ पर 2 से 3 दिन बैटरी बैकअप दे जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन होते हैं बैकग्राउंड में बंद हो चुके हैं जो कि आप यूज नहीं कर सकते। बट आपको कोई एप्लीकेशन इंपोर्टेंट है वो यूज करना है तो आपको ऐड वाले पे क्लिक करना है और सारे एप्लीकेशन आपके यहाँ पर शो हो जाते हैं, तो आप ऐड कर पाओगे इजीली तरीके से। तो गाइस यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड का जरूरत पर ही यूज करना है। जैसे कि आपके पास लाइट वगैरह नहीं है या आपके यहाँ पर या चार्ज वगैरह नहीं है तभी यहाँ पर इस चीज़ को यूज करें, ताकि आपकी बैटरी दोगुना चल जाए। अब गाइस डायरेक्टली यहाँ से हम बाहर लेकर जाएंगे और एग्जिट सुपर पावर सेविंग मोड को यहाँ पर डिसेबल कर देंगे। करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको दोबारा से सेटिंग में जाना है। जैसे गाइस यहाँ पर आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद आपको बैटरी में जाना है फिर से और सुपर पावर सेविंग मोड का आपको जरूरत पे यूज करना है। तो गाइस यहाँ पर टाइमिंग भी देख सकते हो, यहाँ पर जो पावर सेविंग मोड है वहाँ पर लिखा है 1 डे और यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड पर लिखा है 2 डे, यानी कि गाइस यहाँ पर आपका जो बैटरी बैकअप है दुगना हो जाता है। तो गाइस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अगर बैटरी बैकअप दुगना चलाना है, लाइट वगैरह नहीं आई है तो यूज़ कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर फोन बैटरी यूज का, इस पर आपको क्लिक करना है और गाइस देख सकते हो आपके सारे एप्लीकेशन लोड होकर आ जाएंगे जो जो आपकी बैटरी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर जैसे मैंने एक एप्लीकेशन पर काम किया तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपका जो 6 मिनट यहाँ पर आपने यूज किया है और 8 सेकंड, लेकिन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड एक्टिविटी टाइम 10 घंटे यहाँ पर रन करता रहा, जिससे आपकी 36 mAh बैटरी फालतू में चली गई। जी गाइस यहाँ पर आपने इतना यूज नहीं किया लेकिन फिर भी आपकी बैटरी रन कर रही है, आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करते हैं जिससे आपकी बैटरी फालतू में कंज्यूम होती है। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, आपने देखा होगा नाइट में भी ऑटोमेटिक बैटरी कंज्यूम हो जाती है जो कि आप मोबाइल को यूज नहीं करते हैं। तो इसके लिए गाइस यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर 2 डॉट पर क्लिक कर देना है और फोर्स स्टॉप कर देना है, एक एक बार सभी एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद गाइस यहाँ पर आप जब भी यहाँ पर नाइट में मोबाइल को रखने जाओ तो गाइस यहाँ पर आपको रिसेंट मेन्यू को चेक कर लेना, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर रह तो नहीं गया। जैसे कि देख सकते हो गाइस यहाँ पर ऐसे ही आप जो भी यूज करते हैं तो यहाँ पर रिसेंट मेन्यू में आ जाते हैं, तो सभी एप्लीकेशन आपको क्लियर ऑल कर देने या निकाल देना एक एक करके, जिससे गाइस यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन रिसेंट में नहीं रहेगा तो वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है जिससे आपकी बैटरी फालतू में कंज्यूम नहीं होगी। अब गाइस यहाँ पर आपको जाना है, देख सकते हो ऐप, इस पर भी आपको क्लिक करना है और देख सकते हो आपको ये चेक कर लेना आपका अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी यहाँ पर इनेबल है कि यहाँ डिसेबल है। अगर इनेबल है तो डिसेबल कर देना सभी एप्लीकेशन का, तो आपकी बैकग्राउंड एक्टिविटी टाइम है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी और फालतू में बैटरी कंज्यूम होती है वो नहीं होगी। अब गाइस आपको बैक आना, जैसे ही आप बैक आओगे यहाँ पर गाइस देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर पावर सेवर ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पर इसे भी इनेबल कर देना है। जी गाइस यहाँ पर इसे क्या करता है, आपकी मोबाइल को यहाँ पर सोने की कंडीशन में कर देता है, जिसे देख सकते हो स्लीपिंग इंस्टेंटली ऑप्टिमाइजेशन, और आपकी जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, आपकी बैटरी फालतू में कंज्यूम नहीं होती है और आपका मोबाइल है बिल्कुल डाउन लो क्वालिटी में चलने लगता है। अब आपको बैक आना, जैसे कि इस बैक आओगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है परफॉर्मेंस मोड का, इस पर आपको क्लिक कर देना है और देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस मोड, स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड और नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, इस पर आपको नीचे वाले पर क्लिक कर देना है। गाइस अगर आपका कोई से भी पर क्लिक है आपको सबसे नीचे वाले पर क्लिक होना चाहिए, नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, इससे गाइस देख सकते हो टर्न ऑफ इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस टू एक्सटर्नल बैटरी लाइफ, आपकी जो बैटरी लाइफ है इंक्रीज हो जाएगी और अगर आपका मोबाइल हाई परफॉर्मेंस मोड पर चलता है तो बैटरी को फालतू में कंज्यूम करता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब गाइस यहाँ पर आपको बैक आना, जैसे ही आप बैक आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, जी गाइस यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर आपकी बैटरी कंज्यूम करती है तो वो है आपकी स्क्रीन। जी गाइस यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन सबसे ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करती है, तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं ऑफ, बैलेंस मोड, सुपर पावर सेविंग मोड। तो गाइस यहाँ पर आपका ऑफ पे हो सकता है या बैलेंस मोड पर हो सकता है, तो गाइस आपको क्या करना है सुपर पावर सेविंग मोड पर लगा देना है। जी गाइस यहाँ पर अगर आप सुपर पावर सेविंग मोड पर लगा दोगे तो आपकी जो बैटरी फालतू में कंज्यूम हो रही है, आपकी स्क्रीन ज़्यादा बैटरी खा रही है, वो आपकी स्क्रीन है यहाँ पर बहुत ही लो क्वालिटी में बैटरी को कंज्यूम करेगी और सुपर पावर सेविंग मोड में आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी बैटरी को सेव करके चलेगी, इससे गाइस आपकी बैटरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक चलने लगेगी। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर इस चीज़ को यूज करो और आपकी जो बैटरी लाइफ है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको बैक आना, जैसे ही बैक आओगे तो गाइस यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डार्क मोड का, या यहाँ पर आप डार्क मोड का यहाँ पर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर रहना है आपको और डार्क मोड का शॉर्टकट में भी यूज कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर आपको अपने मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपको मोबाइल को डार्क मोड में ही यूज करना है। जी गाइस यहाँ पर अगर आप मोबाइल को डार्क मोड में यूज करोगे तो आपकी बैटरी है वो फालतू में ड्रेन नहीं होती है, क्योंकि आपकी स्क्रीन ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, तो डार्क मोड में अगर आप मोबाइल को यूज करोगे तो आपकी जो बैटरी लाइफ है बहुत ज़्यादा
इंक्रीज हो जाएगी और फालतू में बैटरी कंज्यूम होती है वो भी नहीं होगी। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि मोबाइल को यहाँ पर डार्क मोड में ही यूज करो। अगर आप मोबाइल को डार्क मोड में यूज करोगे तो आपकी जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब जो गाइस यहाँ पर लास्ट ट्रिक है वो नॉर्मल ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आपको गाइस क्या करना है, कोई फालतू की कोई देखना है प्री इंस्टॉल्ड ऐप तो नहीं, जो फालतू में एप्लीकेशन है जो आप यूज नहीं करते उन्हें डिलीट कर देना। जी गाइस देख सकते हैं मेरे मोबाइल में कोई भी फालतू का एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप नहीं है, जो मैं यूज़ करता हूँ वही एप्लीकेशन है ओनली। तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ अगर आप फालतू के एप्लीकेशन डिलीट कर देंगे तो आपका मोबाइल यहाँ पर बैटरी को फालतू में एप्लीकेशन कंज्यूम करते हैं वो नहीं करेंगे आपकी बैटरी को। और गाइस यहाँ पर आपको फाइल में चेक कर लेना आपकी स्टोरेज कितनी खाली है कितनी फुल है, कोई फालतू की फाइल या कोई फालतू की वीडियो पर अगर आप पड़ी हुई है उसे भी डिलीट कर देना। जी गाइस अगर आप मोबाइल को जितना खाली रखोगे उतना आपका मोबाइल क्लीन रहेगा और स्मूथ चलेगा, और जितना स्मूथ चलेगा उतनी आपकी बैटरी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपकी स्टोरेज पर लोड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को भी ट्राई करना है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।